आज हम जर्दा चावल बनाएंगे। उसके लिए 1 गिलास चावल, 1 गिलास चीनी, 1 थोड़ी सी सौंफ, बादाम, किशमिश और 4 छोटी इलायची लेंगे। और कलर के लिए रेड कलर का फूड कलर लेंगे। और अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे और उस पे तेल डालेंगे और इलायची डालेंगे उसमें, और फिर जो हमने चावल धो के रखे थे वो डालेंगे। चावल को हम थोड़ा सा भून लेंगे और जे हम धीमी आंच पे ही भूनेंगे इनको। ये थोड़े से ही भूनने हैं, ज़्यादा नहीं भूनने हैं। और उसके बाद हम 1 गिलास चावल लिए थे बासमती चावल, और 3 गिलास उसके हिसाब से पानी के डालेंगे। पानी 1 गिलास बासमती में 3 गिलास ही डालने हैं, कम डालेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। फूड कलर डालेंगे इसमें। ये फूड कलर का ये है कि ये देखने में सुंदर लगते हैं चावल बस। और सौंफ डालेंगे, किशमिश और कटे हुए बादाम। अब चावल इसी स्टेज पे आ जाएंगे जब चावल, तो इनमें चीनी डालेंगे। जो 1 गिलास चावल के साथ 1 गिलास चीनी रखी थी वो डाल देंगे इसमें। और इस चीनी को हम ऐसे ही डालेंगे, इसको बाद में किसी कड़छी से नहीं इसको हिलाएंगे, ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। ये देखो चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, तो ये धीरे धीरे सूख जाएगा पानी। तो ये देखो चावल तकरीबन बन गए हैं और चीनी का पानी भी सूख गया है। ये थोड़ी देर के लिए हम इनको ढक देंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे। ढकने से इसमें जो थोड़ी सी कणी रह जाती है चावल में वो खत्म हो जाती है, फिर सॉफ्ट हो जाते हैं चावल बिल्कुल। और गैस को बंद करेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें। आपका हमारी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।